हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो फिर से बना के लाऊंगा आपके लिए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए, क्योंकि कुछ काम में बिज़ी हो गया था। तो नाउ हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज़, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इरेस्पेक्टिव कि एग्ज़ाम कब होगा, स्टेट अगर हम PSC की बात करें, तो आप मान के चलें जब भी हो एग्ज़ाम आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो अगर आप UPSC में हैं, आपका अटैम्प्ट नेक्स्ट ईयर है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये टॉपिक है चरवाक, इसको हम बोलते हैं लोकायत। तो ये अगर हम देखें, तो अगर आप स्टेट PSC के हो, तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में है एथिक्स में एज ए थिंकर। अगर आप UPSC के हैं, तो फिर ये फिलोसोफी चरवाक का कंसेप्ट आपको अपने ऐसे अपने एथिक्स में ये यूज़ करते आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है चरवाक, तो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चरवाक एक्चुअली है क्या? चरवाक हम बोलते हैं, उसका एक और नाम है लोकायत स्कूल, तो आल्सो चरवाक स्कूल, इसको हम लोकायत स्कूल भी कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं, हेडोनिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सुखवाद। क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सुख की बात कर रहे हैं, ये हमेशा प्लेजर सीकिंग की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग स्कूल रहा अपने ज़माने में, तो इसको अभी हम हेट्रोडॉक्स स्कूल में कहते हैं। क्योंकि जो वेदों के या जो कन्वेंशनल जो स्कूल्स थे, लाइक जो वैदिक स्कूल्स थे, उसके बाहर कुछ भी जाता है तो हम बोलते हैं हेट्रोडॉक्स स्कूल। तो इन्होंने भी वही जो वेदों की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया, मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये भी कौन से स्कूल में आते हैं, नास्तिक स्कूल में आते हैं, एथिस्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिज़्म जैन जो फिलोसोफी है वो भी एथिस्ट में आती है, नास्तिक हम बोलते हैं उसको भी। सिमिलर चरवाक का जो फिलोसोफी है, दर्शन है, ये भी किस में आता है? एथिस्टिक टेंडेंसीज में आता है या एथिस्टिक फिलोसोफी में आता है। ओके, देन इसको मैंने कहा, इसको हम मटेरियलिस्टिक स्कूल भी कहते हैं ना, भौतिकवाद स्कूल भी कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ ये सुख और भौतिकवाद की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन वैदिक स्कूल आप कह सकते हैं, मतलब नॉन वैदिक मतलब है कि जो वेदों को नहीं मानते, लाइक ब्राह्मणिज्म, सॉरी लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, और ये अपने गुरु मानते हैं बृहस्पति को, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति से कंसेप्ट निकला था, फिर चरवाक इसको लेके गए और फिर आगे चरवाक के फॉलोवर्स इसको लेके गए। तो ना क्या कंसेप्ट है, क्यों ये इतना फेमस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? तो ये डॉक्ट्राइन थोड़ी सी अट्रैक्टिव हमको लगती है। अट्रैक्टिव क्यों लगती है? क्योंकि ये सिर्फ दो चीज़ों की बात करती है जीवन में, कि एक्विजिशन ऑफ प्लेजर एंड वेल्थ, मतलब ये अर्थ और काम की बात करते हैं। अगर आप जानते हो, हमारे धर्म में या समाज में चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये धर्म मोक्ष की बात करते ही नहीं है, ये सिर्फ अर्थ और काम, मतलब धन एकत्रित करना और सुख का भोग करना, यही ये बात करते हैं। ओके, तो ना, और जो इनका मेन कंसेप्ट है वो यही है कि व्यक्ति जो यहाँ पे है वो सिर्फ सेंसुअल प्लेजर को एंजॉय करने के लिए है, मतलब आपको सिर्फ आनंद लेना है, आपको अपने सारे सेंसुअल प्लेजर को एंजॉय करना चाहिए। दिस इज़ द ओनली गोल ऑफ चरवाक। और वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबके लिए सेम होती है, अच्छा हो या बुरा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेड़ अगर आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सबको समान दे रहे हैं, चाहे वो अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, तो मतलब व्यक्ति की प्रकृति पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए आपको सिर्फ सुख भोगना चाहिए। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया, किस प्रकार से जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, सबको बराबर से चमकाता है। जब वो भेदभाव नहीं करता, तो मतलब ये है कि अच्छे बुरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा सिर्फ ये इंसान की सोच है और कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है, आपको वो सारे काम करने चाहिए जो आपको प्लेजर दें। तो ये इनका, मैं अगर बोलूँ तो दिस इज द कोर। पर हमें सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई बोलेगा आपको चरवाक बताओ या लोकायत बताओ, ये सब लिख देते हैं कि ओके ये है प्लेजर सीकिंग की बात करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों प्लेजर सीकिंग की बात कर रहा है, वो क्यों बोल रहा है कि आप जो है सुख का आनंद लो, तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो? उसका रीजन, इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स, या उसका नॉलेज प्रिंसिपल, या इसी को हम बोलते हैं उसकी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको डायरेक्टली
क्या मेटाफिजिक्स है या क्या एपिस्टेमोलॉजी है चरवाकी, या हिंदी में आए क्या ज्ञान मीमांसा है, तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, या उसका ज्ञान भी पूछे, क्योंकि दिस आर सिमिलर एक्सप्लेनेशन उनका होता है। तो क्या उनका कहना है, चरवाक का कहना है परसेप्शन इज द ओनली वैलिड नॉलेज, उनका ऐसा स्टेटमेंट है कि प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष, जो आपको परसेप्शन से फील हो पाए, जो आप उसको परसेप्ट कर पाओ, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखे, वही ज्ञान का सच्चा साधन है। दिस इज द ओनली वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, यही सच्चा ज्ञान वो मानते हैं कि धारणा या प्रत्यक्ष वेद जो आपका है, यही ज्ञान का एकमात्र साधन है। मीन्स कौन सा, परसेप्शन। तो क्या नहीं है, इन्फेरेंस नहीं है, अनुमान कुछ भी नहीं होता है, कि कोई चीज़ बोल दी, अनुमान ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हम बोलते हैं ईश्वर है, आपको दिखा नहीं है तो मतलब वो झूठ ये मानते हैं। लाइक आत्मा दिखती नहीं है, सिर्फ अनुमान है, तो ये उसको भी गलत मानते हैं। इन्होंने कहा इन्फेरेंस बिल्कुल भी गलत नॉलेज होती है, परसेप्शन इज द राइट नॉलेज, और इन्फेरेंस सिंपल कुछ भी नहीं है, अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है, कि आप अंधेरे में हवा में लठ मार रहे हैं ना, वैसी वाली बात है। रियलिटी कुछ नहीं है, बस आप अंधेरे में छलांग लगा रहे हो, सिर्फ इन्फेरेंस है, रियलिटी नहीं है। तो ये सिर्फ परसेप्शन को मानते हैं, इन्फेरेंस को रिजेक्ट करते हैं। तो ओनली सोर्स इज परसेप्शन, इसके अलावा सारे मीन्स जो हैं वो सारे ये गलत मानते हैं। और परसेप्शन का मतलब क्या है, ये आती कैसे वैलिड नॉलेज, ये आपके सेंस ऑर्गन से आती है, कि जब आप किसी चीज़ को सेंस करते हो, अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो, और उससे जो चीज़ आपको ज्ञान होता है वही है वैलिड नॉलेज। कैसे, इस प्रकार से कि हमारी जो नॉलेज होती है, जो हमारी परसेप्शन बेस्ड जो नॉलेज होती है हमारी, वो हमारे पांच सेंस ऑर्गन से काम करते हैं। पांच सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें कलर, टेस्ट, स्मेल, टच और साउंड का एहसास कराते हैं। तो ये पांच सेंस ऑर्गन है हमारे अंदर जो हमको नॉलेज दे रहे हैं, जो हमारा रोल प्ले कर रहे हैं परसेप्शन में। तो यही आपको रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, ध्वनि, ये पांच चीज़ें हैं। और ये पांच कौन से ऑर्गन्स हैं, वन इज़ विजुअल ऑर्गन लाइक आपकी आईज, देन आपकी गस्टेटरी ऑर्गन मीन्स जो आप स्वाद जिससे लेते हैं, ऑल्फैक्टरी मीन्स ऑर्गन्स आपके जिससे आप सूंघ मीन्स आपका जो नाक वाला कंसेप्ट है आप सूंघ सकते हैं, देन आपका क्यूटेनियस जिससे आप टच करते हैं, त्वचीय है, और लास्ट में सुनने वाली शक्ति। ये पांच सेंस ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका क्या कहना है, नॉलेज एक्चुअली क्या है, परसेप्शन, नॉलेज इज परसेप्शन, और ये आता किससे है, सेंस ऑर्गन से। किस प्रकार से आपके ऑर्गन सेंस कर पाते हैं, जो आप सेंस कर पाएंगे वही रियलिटी ये मानते हैं। और इनका कहना है पृथ्वी पे सिर्फ चार तत्व होते हैं, हम जनरली पांच तत्वों की बात करते हैं, ये सिर्फ चार तत्व की बात करते हैं, कि इनकी जो मेटाफिजिक्स है उसमें सिर्फ चार एलिमेंट्स हैं। चार एलिमेंट्स कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार ही है। और जो पांचवा होता है ईथर, उसको ये मना कर देते हैं, क्योंकि ईथर क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि ईथर इज सिमिलर टू स्काई और वो हमने देखा नहीं है, तो दिस इज सिंपली इन्फरेंस से निकाला गया है, हम परसिव नहीं कर सकते। जो हम उस पांच सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं, लाइक हवा हमको छू सकती है तो हवा है, पानी हमको दिखता है छू सकते हैं तो पानी है, ठीक है, अर्थ मृत आपको पृथ्वी दिख रही है, सिमिलर फायर आपको दिखती है, तो जो चीज़ आपको परसेप्शन से दिख रही है वो है, जो नहीं है सिंपल अनुमान है, वो नॉलेज नहीं है। तो क्या बोलते हैं, सिर्फ ये चार एलिमेंट्स मानते हैं, ईथर को ये नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कहना है जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इस संसार में, जो भी अस्तित्व में है, इंक्लूडिंग आपका जो मन है, आपका दिमाग है, आप खुद हो, हर चीज़ जो है इन्हीं चार जो एलिमेंट्स है उससे मिलके बनी है। इन जनरल हमारी जो बाकी फिलोसफी में क्या होता है, हम बोलते हैं पंच तत्व से बने हुए हैं, तो ये बोलते हैं पंच तत्व नहीं है, हम सब चार तत्वों से बने, ओके। और ये चार तत्व शाश्वत है, मतलब इटरनल है, ये कभी ख़त्म नहीं होते, दीज आर द फोर बेसिक एलिमेंट्स डेट मेक्स द एंटायर वर्ल्ड, ये सृष्टि को यही बनाते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। और इनका मानना है कि यही चार जो पदार्थ है, जो मैटर है, जो इनसे बना होता है, वो ही पृथ्वी का मटेरियल एंड एफिशिएंट कॉज है। मतलब पृथ्वी भगवान ने नहीं बनाई है, पृथ्वी जो हम जनरली बोलते हैं ब्रह्मा ने बनाई है या ईश्वर ने बनाई है, ये मना कर देते हैं, पृथ्वी को बनाने में गॉड का कोई रोल नहीं है, इस ब्रह्मांड को बनाने में किसका रोल है,
मटेरियल और एफिशिएंट कोज, मतलब वही जो पदार्थ हैं जो चार मूल एलिमेंट्स हैं उन्होंने ही पूरी सृष्टि का निर्माण कराया है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ऐसा इनका व्यू है, ईश्वर ने नहीं बनाई है। तो इसी से इनका सेकंड कंसेप्ट निकलता है कि चरवाक, आत्मा, जीवन या ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं। तो इनका कहना है, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा, आत्मा को हम परसीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिखती नहीं, हो सकता है आप लोगों को दिखती हो, किसी को दिखती भी हो, पर ऐसा होता नहीं है। तो इनका कहना है कि सोल जो है हम उसको परसीव नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई एंटिटी होती नहीं है, मतलब आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ आपका एक अनुमान है, इसलिए आत्मा नहीं होती। चाहे आपकी प्राण हो, मतलब लाइफ हो, या कंसाइसनेस हो, ये बॉडी में ही होता है। हम बोलते हैं ना कि प्राण आत्मा जो होती है वो प्राण रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि जो भी लाइफ, प्राण हो गया, ब्रीथ हो गई, या चैतन्य, कंसाइसनेस, ये आपकी आत्मा में नहीं होते, ये किस में होते हैं, आपकी बॉडी में होते हैं, मतलब सोल में नहीं होते। हम जनरली बोलते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए या कुछ हो गए, तो मीन्स आत्मा का कोई रोल नहीं है, ये सब बॉडी के अंदर ही होता है। तो उनका कहना है वो आत्मा कुछ नहीं, बॉडी ही आत्मा है, मतलब आपका शरीर ही आत्मा है, शरीर के अलावा कोई चीज़ इटर्नल नहीं होती, मतलब आपकी जो शरीर है वही सब कुछ है, अंदर अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, जो है सब शरीर है आपका, आत्मा भी आपका शरीर ही है, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद ये कहते हैं, ये जो आपको प्राण, चेतन जो आपको ये दिखाई दे रहा है, सांस जो आप लेते हैं, अंदर का जो चेतन है, कंसाइसनेस, ये भी उन चार एलिमेंट से बना है, इसके लिए भी कोई अलग संस्था नहीं लगी, उन्होंने बोला कि यही वो चार एलिमेंट्स हैं, उनका ही कॉम्बिनेशन, उनके ही मिक्सचर से आपके जीवन में प्राण आए हैं और वही चेतना आपको उन्हीं से जागी है। तो सोल कुछ नहीं है, सोल सिंपल क्या है, कंसाइस बॉडी है ना। कभी ऐसा 3 मार्क्स में आ जाए कि व्हाट इज सोल अकॉर्डिंग टू द चरवाक, तो सोल को वो डिनाई करते हैं और क्या बोलते हैं, सोल इज नॉट नथिंग बट ए कंसाइस बॉडी, वो बॉडी जो चैतन्य रखती हो वही क्या कहलाती है, आत्मा कहलाती है। तो इनका एक एग्जाम्पल है फेमस, कि इनका एग्जाम्पल है जिस प्रकार से लाल कलर कैसे बनता है, आपको जो लाल कलर दिखता है वो लाल आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे बना कैसे, वो तीन चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना है, उसमें बीटल, अरेका नट और लाइम का यूज़ हुआ है, ऐसा इनका मानना है कि पान, सुपारी और चूना, तो तीनों मिला दोगे तो लाल कलर बन जाता है, तो वो आपको लाल कलर दिख रहा है। तो उसी प्रकार से जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं और व्यक्ति में क्या होता है, इंटेलिजेंस का उदय होता है। तो यही जो ये जो एलिमेंट्स हैं यही किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यही चीज़ आपको दिखाई देती है। जिस प्रकार पान, सुपारी, चूना लाल कलर बनाता है, वैसे ही कई सारे एलिमेंट्स व्यक्ति में चैतन्य या इंटेलिजेंस को भी लाते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। इसके बाद जब बॉडी का देहांत हो जाता है, बॉडी डिजोल्व हो जाती है, मतलब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कंसाइसनेस खत्म हो जाती है, मतलब आप जीवित हैं तो आप कंसाइसनेस है, जिस दिन आपकी मृत्यु हुई, आपकी बॉडी डिजोल्व हुई, तो कंसाइसनेस चली जाती है और सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, जो चार एलिमेंट्स है, वो सब रह जाते हैं किसके, सिर्फ एशेस और डस्ट के साथ। तो मतलब ये है, राख और धूल के छोड़ के सारे तत्व जो हैं वो सब घुल मिल जाते हैं। तो वही बात है जो हम बोलते हैं पंच तत्व में विलीन हुए, तो पाँच तत्व अब रहे नहीं, चार तत्व ये मानते हैं। तो जो भी चीज़ रहती है वो लाइफ के साथ रहती है, लाइफ गई सब कुछ गया, इसीलिए किसको नहीं मानते, ये ईश्वर आत्मा किसी को नहीं मानते। तो जीवन है तो उसको जी लो, इसीलिए क्या बोलते हैं कि सुख का आनंद लो, तो ये इनका कंसेप्ट। इसलिए क्या नहीं मानते, ट्रांसमाइग्रेशन, रिट्रीब्यूशन, ये सब नहीं मानते। हम बोलते हैं ना कि कर्म जाते हैं, दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, बोला ऐसा कुछ नहीं होता। या रिट्रीब्यूशन कि ना, वो अपन एक होता है जनरली कॉमन है हर धर्म के अंदर, कि बदला लेने आएंगे, लाइक आपका कि वो जन्म होगा, बदला लिया जाएगा फिर से, तो रिवेंज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी है तो है, बॉडी के बाद कोई नहीं आता, ऐसा इनका मानना है। और सिमिलर इन्होंने बोला कि सोल, गॉड, ये सब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नेचर के हैं, कोई रियलिटी नहीं है इनकी, उसको डिनाई करते हैं। तो हम ना स्पेसिफिकली गॉड की बात कर लें, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उनका क्या विचार है गॉड को लेके, या कभी एथिक्स में ऐसे में कोई रोल आ जाए, रोल तो देख लीजिएगा। तो ये साहब जो मैंने कहा, कोई भी चीज़ जो ट्रांसेंडेंटल है उसको ये नहीं मानते, मतलब परलौकिक, जो इस लोक में नहीं है, जो आपको दिखता नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है।
दूसरा ये कंसाइंस को भी नहीं मानते कि जो बाहर से ईश्वर हो या अंदर से आपकी कंसाइंस जो हम बोलते हैं कि विवेक हो आपका, आपका अंतकरण हो, ये उसको भी नहीं मानते क्योंकि इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होती, दिस इज जस्ट ट्रांसेंडेंटल नेचर का, मना कर देते हैं। तो ये गॉड को नहीं मानते, ये नहीं मानते कि सृष्टि के निर्माता कौन है, गॉड, ऐसा कुछ भी ये नहीं मानते। सृष्टि किसने बनाई थी, हमने देखा भी मैटर ने बनाई थी, जो चार एलिमेंट्स हैं वही सब कुछ बनाते हैं, ईश्वर का कोई रोल नहीं है इनके अकॉर्डिंग। और इन्होंने उसको काउंटर करते हैं, काउंटर कैसे करते हैं, इनका फेमस स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि अगर आपका ईश्वर ओमनीसिएंट मतलब जो सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है, कंपेशनेट है, दयालु है, तो फिर जो उसके प्राणियों में जो डाउट्स है, इंसानों में जो डाउट्स हैं, जो समस्या है, वो उसका निवारण क्यों नहीं कर रहा फिर। दिस इज ये क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि तो प्राणियों में अपने अस्तित्व के बारे में संदेह को दूर क्यों नहीं करता भाई, अगर ईश्वर है तो दूर करे फिर, कि अलग अलग धर्म क्यों हैं, अलग अलग जाति क्यों हैं, ऊंच नीच क्यों हैं, हर लोग अलग अलग रूप में क्यों मानते हैं ईश्वर को, ये सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। फिर यही बोलते हैं कि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि गॉड है ही नहीं तो ये सारे डाउट्स क्लियर होते भी नहीं हैं, तो ऐसा इनका स्टेटमेंट है। इसके बाद तो इन्होंने यही कहा, इस सृष्टि में कोई सुप्रीम गॉड नहीं है, मतलब इस दुनिया में जब बोलते हैं ना कि ईश्वर है वो राज कर रहा है, तो इनका कहना है कि ऐसा कोई भी नहीं है, इस दुनिया में कोई राज नहीं करता, सिर्फ जो ओनली गॉड जो इस दुनिया में है वो क्या है, राजा, जो रूल कर रहा है। पृथ्वी पे होने वाला राजा ही भगवान माना जाता है, या कोई राज्य का शासक, वही इन्होंने क्या माना है, वही उनको भगवान माना है जो सही गलत का फैसला करता है। मतलब जो अगर कोई ईश्वर है तो ये किसकी बात कर रहे हैं, आपके शासक मतलब आपके रूलर की बात कर रहे हैं, आपके राजा की बात कर रहे हैं, बोला वही है, क्यों, क्योंकि वही सही गलत का फैसला करता है। सही गलत का फैसला, राइट और रोंग का जो फैसला है, वो ईश्वर नहीं करता। आप गलत काम भी करोगे तो ईश्वर फैसला नहीं करते, फैसला कौन करता है, राजा या स्टेट के रूलर करते हैं, इसीलिए उनको इन्होंने गॉड की संज्ञा दी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है इनका, और इसीलिए ये क्या कहते हैं, और ये ईश्वर कुछ होता नहीं है, ये लोग जो ईश्वर को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब सिर्फ कमजोरी की वजह से करते हैं, इनमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ चाहते हैं उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए या कुछ पाने के लिए, इसलिए ये ईश्वर को मानते हैं। और इनका कहना है ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, देर इज़ नथिंग लाइक हीवन और हेल्थ, तो लोग यूं ही बेवकूफ़ बने जा रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र दुनिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसके अलावा कोई और दुनिया नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग नर्क की दिक्कत होगी, वो ऐसा कोई है ही नहीं, दुनिया सिर्फ यही है, तो इसको जी लो मज़े कर लो, ऐसा चरवाक का कहना होता है। और इसीलिए चरवाक कोई भी जीवन के बाद की जो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, जो हमने कहा, जो मैं बोलता रहता हूँ गरुड़ पुराण एंड ऑल, तो इन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये कंसेप्ट है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा, बुरे काम किए हैं तो पनिशमेंट मिलेगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ धारणाएं हैं कि मृत्यु के बाद अच्छे काम के लिए सजा। और ये ऐसी मूवी भी आ रही है अभी एक, कोई मैं देखा था ट्रेलर, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि वो बंदा जो है मरा भी नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं यमदूत के द्वारा, तो दिस इज़ सिमिलर कि आफ्टर लाइफ वो शो करेंगे, आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है। तो ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है जीवन में, सब खत्म है ऐसा। ओके, नाउ एक नाउ स्मॉल टॉपिक जो इनका बचता है, इसलिए सारा कंसेप्ट है इनका, कभी आ जाए 3 मार्क्स में या छोटे से टॉपिक में, कि क्या इनकी डॉक्ट्राइन है कंसाइसनेस ऑफ मैटर, इसको हिंदी में कहते हैं भूत चैतन्यवाद, है ना। ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज भूत चैतन्यवाद ऑफ चरवाक, तो भूत चैतन्यवाद का मतलब है कंसाइसनेस ऑफ मैटर, मतलब आपको अपने मैटर का ज्ञान होना चाहिए। और ये वही क्वेश्चन है सिमिलर टू, इसका मतलब क्या है, द कंसाइसनेस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जब आपको अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंस ऑर्गन्स पे आपको ज्ञान है, समझते हैं, तो फिर आप मैटर को भी समझ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैटर किससे बना होता है, आपके सेंसेस का यूज़ होता है, इसमें चार एलिमेंट्स का यूज़ हम करते हैं, तो आपके सेंसेस होंगे, उसी से आप मैटर को परसेप्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये इनका डॉक्ट्राइन ऑफ कंसाइसनेस ऑफ मैटर होता है। नाउ लास्ट इनका एक क्रिटिसिज्म है वैदिक सेक्रीफाइसेस को लेके, कि जो वैदिक अनुष्ठान हुआ करते थे, ये उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है। क्रिटिसिज्म क्या दिया है इन्होंने,
वैदिक में जो भी बातें लिखी हैं, वैदिक स्टेटमेंट्स, वैदिक कथन, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि उसमें पहले तो सत्य है नहीं, सब झूठ है। दूसरा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, आपस में विरोधा आवाज है, उसमें मतलब फीमेल मेल लड़ रहे हैं, अलग अलग इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। और तीसरा सिर्फ टोटोलॉजी, मतलब पुनरुक्ति, वही चीज़ सेम टू सेम, वापस वही बात, रिपीटेशन, असत्य। उनका कहना है कि अल्टीमेटली वो, इनका मानना है कि यूजलेस है, इनका ऐसा मानना है चर्वाक का। और इनका कहना है कि इतनी सारी सेक्रीफाइसेस एडवोकेट की जाती है ब्राह्मण्स के द्वारा, क्यों? क्योंकि तो ब्राह्मणों के पास कोई दूसरा साधन नहीं था लाइवलीहुड का, दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसीलिए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया विदाउट एनी वैलिडिटी और ट्रूथ। मतलब इसकी कोई वहाँ पे वैधता या सत्यता नहीं था, कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन लोगों ने फिर भी कंटिन्यू करा, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जॉब का, या अल्टरनेटिव नहीं था लाइवलीहुड का, उन्होंने कंटिन्यू करा किसको, सेक्रीफाइसेस को। इसीलिए उनका कहना है कि वेदों में क्या मेंशन है कि अगर किसी को स्वर्ग चाहिए तो क्या करे, अश्वमेघ यज्ञ करे। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो अश्वमेघ यज्ञ करे। पर इन्होंने कहा बात यह है कि किसको पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ है कि भी नहीं है, कि मृत्यु के बाद स्वर्ग किसको मिला है, किसने देखने गया और कौन डिसाइड करेगा, कोई देख पाया नहीं है तो ये तो बात हवा में हो गई। इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म करते हैं, किसका, वेदों का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चर्वाक, वेरी सिंपल फिलोसॉफी है। आप लोग जो पढ़ते आए हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मटेरियलिस्टिक है, सुख शांति की बात कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? इनकी नॉलेज का कंसेप्ट, जो क्या है, परसेप्शन, कि अगर आप परसेप्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और परसेप्ट का मतलब क्या है? आपके सेंसेस का इस्तेमाल, अगर आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे चीज़ें समझ जाएंगे, जो चीज़ सेंस से फील हो जाए वही नॉलेज है, वही सत्य है, जो ना हो वो नहीं है। इसलिए ना तो गॉड है, ना सोल है, ना आफ्टर लाइफ कुछ है, जो है वैसी लाइफ में। इसलिए क्या बोलते हैं, सेंशुअल प्लेजर्स, या सुख का आनंद कर लो, टेंशन ना पालो। तो इसीलिए आप लोग भी इसी लाइफ में हैं, तो इस लाइफ पर जिए, टेंशन ना लें फोकट की चीज़ों की। पर हाँ, चरवाक की बातों को सीधे सीधे नहीं लेना है दिल पे, मालूम चले कल से आप कोई नया कांड शुरू कर दें, ठीक है? तो ये चरवाक का पूरा कंसेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ये PDF जो है इसके चरवाक की, मैं इस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो अगर आप नए हैं तो आप इस ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। और वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।